दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ मेजर नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज मारिया एजवर्थ तो शी वाज बोर्न ऑन फर्स्ट जनवरी 1768 एंड शी डाइड ऑन 22 मई मे तो लगभग ये 81 ईयर इनका जीवन रहा एंड शी वाज अ प्रोलिफिक एंग्लो आयरिश राइटर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर ठीक है तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है और शी वॉज बोर्न इन एक्चुअली ब्लैक बर्टन ऑक्सफोर्ड शायर इंग्लैंड इन सेवनटीन सिक्सटी एट एंड एक्चुअली शी तो वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ रिचर्ड लोवेल एजवर्क एंड एन मारिया एजवर्क एंड बाय द प्रेशर ऑफ हर फादर एक्चुअली हर फादर इनक्रेज हर राइटिंग एंड हैड एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस और हर वर्क हमेशा उनके पिताजी ने जो है उनको इन्फ्लुएंस किया राइटिंग के लिए तो देन आफ्टर हर फर्स्ट पब्लिकेशन वाज़ अ प्ली ऑफ फीमेल वी कैन सी देयर हर फर्स्ट पब्लिकेशन वाज़ अ प्ली ऑफ फॉर फीमेल एजुकेशन फीमेल एजुकेशन के से संबंधित तो उनका फ़र्स्ट वर्क था इट इज़ नोन एज लेटर्स टू लिटरेरी लेडीज़ विच पब्लिज इन सेवनटीन ठीक है इसके अलावा जो था उनका Uh, her collection of st stories known as the parents assistant which published in 1796 and this was her first book of children's literature so these two work is important okay and then we will see very important novel of maria edgeworth castle recurrent ठीक है कैसल रेकरेंट उनका बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है और इट इज़ फर्स्ट नावल एक्चुअली एंड इन दिस नावल एक्चुअली शी सटराइज द कन्वेक्सन्स ऑफ अपर मिडिल क्लास एंग्लो आयरिश लैंड लॉर्ड्स जो थे वो अपर मिडिल क्लास में आते थे और उनको सेटराइज किया है उन्होंने एंड देयर ओवरऑल मिस मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट दे ओन्ड जो उनके पास स्टेट होते थे और वो कैसे उसका मिस मैनेजमेंट करते थे इस पर बेस्ड ये नोवेल है कैसल रेकरेंट ठीक है एंड uh, ये बहुत सक्सेसफुल उनका नोवेल रहा है तो इसको हम लोगों को लर्न कर लेना है और इन दिस नावल शी सटराइज द ये मैं आपको बताया हूँ उसके बाद सेकेंड उनका इम्पोर्टेंट वर्क है बेलिंडा जो कि एटीन हंड्रेड वन में आया और असोसाइटी नॉवल है ये

तो इसमें एक खास बात और निकल के आती है कि इट वॉज़ अ पॉपुलर वर्क क्रिटिक्स हैव नोटेड दैट जेन ऑस्टेंस हीरोइंस ओन समथिंग टू विलेंडा जो है आपको पता है कि जेन ऑस्टेन की हीरोइन रही है तो उस नेम को इन्होंने यूज़ किया है तो ये भी एक चीज़ है जो हमको याद करनी है फिर उसके बाद इनका एक और वर्क है पैट्रोनेज जो 1814 में आया हर लॉन्गेस्ट नॉवल अबाउट पॉलिटिकल इंट्री इन ट्रीक एंड द क्वेस्ट फॉर अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एन अदर शी हैज़ अनादर इम्पॉर्टेंट वर्क लेनोरा जो है एटीन हंड्रेड सिक्स में आए ये भी नॉवल है और हेरिंगटन एटीन सेवनटीन में है और मोन्ड एटीन सेवनटीन में हेलन एटीन थर्टी फोर में है बट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है इनका हमको जो लर्न करना है वो लेटेस्ट टू लिट्रे लेडीज़ हैं फर्स्ट वर्क है विच इज़ रिलेटेड टू फीमेल एजुकेशन एंड सेकेंड चिल्ड्रेंस लिटरेचर है द पेरेंट्स असिस्टेंट करके उनका चिल्ड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इट इज़ मोर पॉपुलर एंड थर्ड इज कैसल रेकरेंट जो उनका नॉवल है और बेलिंडा सेकेंड अनदर नॉवल तो ये जो वर्क है इनके हमको लर्न कर लेना है ठीक है तो आई थिंक यू अप्रीशिएट माई दिज ऑल द नोट्स So, if you like the notes, you can subscribe our channel and especially please like and share with your friends. Thank you.